नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विजन टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। प्रदेश में निर्मित बैराज और स्टाफ डैम से लिफ्ट के माध्यम से होगी सिंचाई। मुख्यमंत्री अखंड नवधा रामायण के समापन समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल जिले के विकासखंड पथरिया के ग्राम मोतिमपुर स्थित अनुरागी धाम में आयोजित अखंड नवधा रामायण कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने बाबा अनुरागी जी की समाधि पर पुष्पांजलि और हवन कुंड की आहुति अर्पित कर प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने अखंड नवधा रामायण समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत देश संत महात्माओं का देश है। संत महात्माओं के विचारों और उपदेशों में परोपकार की भावना होती है। बाबा अनुरागी जी के विचारों और उपदेशों में परोपकार भावना थी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि ग्राम मोतिमपुर की धरा में प्रति वर्ष अखंड नवधा रामायण के माध्यम से बाबा अनुरागी जी को याद किया जा रहा है, जो खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि अनुरागी बाबा जी की प्रेरणा से विगत वर्ष भी अनुरागी धाम आने का मौका मिला था, इस वर्ष भी आने का मौका मिला है। यह अनुकरणीय और प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि अनुरागी धाम को पहले ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, अब यह धाम पवित्र स्थल बन गया है। यहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं और अनुरागी बाबा की आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं, जो उनकी ख्याति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दो वर्ष पहले महानदी और शिवनाथ नदी जैसी बड़ी नदियों पर बैराज और स्टाप डैम का निर्माण किया गया है, लेकिन बैराज और स्टाप डैम का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। अब बैराज और स्टाप डैम के माध्यम से इसके समीप के किसानों को सिंचाई सुविधा को उपलब्ध कराने की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि रणनीति के तहत निर्मित बैराज और स्टाप डैम से लिफ्ट के माध्यम से किसानों की खेतों तक पानी पहुँचाई जाएगी। इस हेतु उन्होंने बैराज और स्टाप डैम के किनारे विद्युत की व्यवस्था करने की बात कही है। इसके पूर्व श्री बघेल ने वृंदावन से पहुंचे महात्मा श्री पुरुषोत्तम और हल्दापोड़ी से पहुंचे महात्मा राधेश्याम का माला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। हो रहा है, वो लोग समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, समर्थन मूल्य खरीदी होनी चाहिए। यहाँ छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य खरीदी हो रही है। पंचायत सचिव के हड़ताल में जाने से पंचायतों में काम पड़ा हुआ है। देखिए, अधिकारी कर्मचारी हड़ताल करते रहते हैं, फिर बातचीत होती है, हड़ताल समाप्त होता है, ये तो प्रक्रिया चलते है, प्रजातंत्र है। सर, पर्यटन के क्षेत्र के सहूलियत के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के धान से बारदानी खरीदी कर रही है, लेकिन कुछ केंद्रों में ये देखा जा रहा है कि किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है, आप अगर बारदानी लेंगे तभी टोकन दिया जाएगा या खरीदी की जाएगी, ये तो तानाशाही चल रहा है केंद्रों में, कई केंद्रों में। यदि इस प्रकार से तो उसे स्पष्ट निर्देश है कि किसान से सहयोग लेकर ही धान खरीदी की व्यवस्था की जाए। किसान आंदोलन को लेकर के आपने नगर सैनिक की नगर सैनिक की मानदेय को लेकर बढ़ाने के लिए आपने 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था और आप हाँ लिखे थे, लेकिन कोरोना आ जाएगा थोड़ी जान रहे थे हम तो सब। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यूं ही छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।